dear students and viewers, i hope you all are well and fine by the sure mercy of almighty allah. as you know, we are discussing 12th class history. today we are going to start a new chapter that is representation of 1857. चैप्टर का जो पहला नाम था वो था रिबेलियंस एंड द राज तो अब जो चैप्टर का नया नाम दिया गया है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 जहां तक इस चैप्टर का ताल्लुक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 यानी 1857 में क्या हुआ जिसे कहते हैं रिवोल्ट एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन एंड इट रिप्रेजेंटेशन। जब ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी बुलेट लाई एक ऐसी कोटरेज लाई जिसकी जिसका कवर एक ऐसी फेट से बना हुआ था जो पिगोर काउ की थी जो सिपाही ब्रिटिश आर्मी में थे हिंदू और मुसलमान उन्होंने इस गोली का इस्तेमाल करने से इसको चलाने से इनकार किया गया क्योंकि बंदूक में लोड करने से पहले इसको पहले अपने दांतों से काटना पड़ता था ये चमड़ी उठानी पड़ती थी ये फिट्स उठाना पड़ता था तो जो हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने इस कॉटरेज को चलाने से इनकार किया क्योंकि पिग जो है मुसलमानों के लिए हराम जानवर है इसलिए वो हराम चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते काऊ जो है गाय जो है हिंदुओं के लिए मुकद्दस जानवर है मानते हैं उसको तो इसलिए उन्होंने भी इससे इनकार किया इस कार्ट्रिज को चलाने से इन ब्लूटूथ को इस्तेमाल करने से यहाँ से रिबेलियन शुरू होती है यहाँ से जो रिवोल्ट है वो शुरू टेन मे एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है मेरट से म्यूटिनी शुरू होती है सी की ये म्यूटिनी क्या होते हैं जब सी जब आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं दो वायोलेटेड द रूल्स एंड दैट इज कॉल्ड म्यूटिनी म्यूटनी शुरू होती है हिंदुस्तान के एक शेर मिरठ से 10 मई 1857 तो इससे कौन कौन से सोर्स हैं पहले जो इन्फेंट्री है जो पैदल सेना है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके बाद कैवलरी है जो घोड़ों की सेना होती है जब ये फोर्सेस क्या करते हैं कैप्चर्ड बैलेंस ऑफ आर्मर जहाँ पर एमिनेशन रखा जाता है स्टोर ऑफ एमिनेशन जहाँ पर होते हैं उन पर दावा बोलते हैं उनको अपने कब्ज़े में लेते हैं ये फोर्सेज हिंदुओं में इसके बाद जो वाइट पीपल होते हैं उनको मारना पीटना शुरू करते हैं इसके बाद जो टेलीग्राफ लाइनज़ हैं उनको काटना शुरू करते हैं क्योंकि जैसे कि आज हम कम्यनिकेशन के लिए फोनस का इस्तेमाल करते हैं उस जमाने में फोन्स वग़ैरह नहीं थे तो टेलीग्राम के ज़रिए से कम्युनिकेशन हुआ करते थे इसके बाद जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं उनको अपने कब्ज़े में लेना शुरू करते थे ये बात होती है टेंथ में एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन को अगला जो दिन अलेवन में ही यही फोर्स जो यही जो सीप ये मार्च करते हैं टवर्ड्स दहली रमज़ान का महीना होता है उस वक्त जो दहली में बादशाह होता है बहुत शे उधर होता है मुग़लों का अकलिन बहुत शही सफ़र होता है उससे ये मिलते हैं उससे बलैसिंग्स लेते हैं कि आप हमें बलैसिंगस दीजिए आप हमें लेजटी दिए ऑर्डर दीजिए ताकि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे जो अंग्रेज़ हम पर रूल करते हैं आज आप हमारे साथ रहे हमारा साथ दीजिए हम उनके खिलाफ़ लड़ेंगे हम उनके पास इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है हाउ म्यूटिनीज बिगन हाउ म्यूटिनीज बिगिन ये म्यूटिनीज कैसे बिगिन होते हैं ये जो सेना ये जो फोर्सेस वायोलेशन करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं उनकी फौज में रह कर भी ये कैसे मिटनी शुरू के थे जब भी इनको ये वायलेशन का शुरू करनी होती थी ये क्या करते थे पहले सिग्नल बात ये सिग्नल कोई देती कोई सिटी बजा थे या गन शूट करते थे इससे पता लगता था कि म्यूटनी शुरू हो गई कि वॉयलेशन शुरू हो गई इसके बाद वॉल ऑफ आर्मीज जो आर्मीज़ के एमिनेशन डिपोज़ होते थे स्टोर्स होते जहाँ पर हथियार सामान जमा होता था उन पर कब्जा करते थे ट्रेजरीज पर कब्ज़ा करते थे जो गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग है जेल है ट्रेजीज है टेलीग्राफ सेंटर्स है रिकॉर्ड रूम्स है उन पर कब्ज़ा करते थे और इसके बाद जो फरंगी है जो अंग्रेज़ हैं जो फरंगी है उनको पकड़ते थे उनको पीटना शुरू करते थे जब ये हाउ म्यूटिनी स्पीकर शुरू होते। ये जो सारे ये करते थे ये जो इसके बाद ये इनांसमेंट्स करते थे ये सी पोएस ये फोर्सेस तीन जबानों में हिंदी में पर्शियन में और उर्दू में अनाउंसमेंट करते हैं ये शुरू हुई बरेली कानपुर और लखनऊ से म्यूटिनीज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन है म्यूटिनीज़ एंड रिबिलियन या रिवोल्ट में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स जो म्यूटनी है जब सी पॉइ जब आर्मी जब फोर्स जब फौज रूल्स एंड रेगुलेशनस को बाली ताक रखते हैं उनकी वायोलेशन करते हैं उनको म्यूटनी जब फोर्स के साथ आम लोग भी इस बगावत में शुरू हो जाएंगे इस जंग में शुरू हो जाते हैं तो इसे रिबेलियन कहते हैं या रिवोल्ट कहते हैं आर्मड जब इनके साथ आम जनता भी मिल जाती है आम लोग भी इसमें शामिल होते हैं तो इसे रिबेलियन कहते हैं या रिवोल्ट कहा जाता है इसी के अंदर हमारा दूसरा जो सब टॉपिक आता है वो है लाइनज ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन, प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन अंग्रेजों की फौज में रहकर ये कैसे कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से जुड़ जाते थे एक दूसरे से बातचीत करते थे किसके मतलब म्यूटिनी के या रिबिलियन के मुद्दे तो इसके पास हमारे पास कुछ सोर्स हैं पहली है सेवन औद सेवन अद एरेगुलर कलेवरी जो अवध की सेवंथ एरेगुलर कलेवरी एरेगुलर मैंने जो परमानेंट फोर्स में नहीं थे जब वक्त आता था जब ज़रूर पड़ती थे उनको बुलाया जाता था उनको कहते हैं एरेगुलर क्लेवरी, यानी यानि के माने हैं हॉर्सेस की सेना वो लिखते हैं मैसेज लिखते हैं किनको को एट्थ नेटू इन्फेंट्री जो फोटी एट्थ नेटू यानी जो वहीं की लोकल इन्फेंट्री पैदल सेना को उनको लिखते हैं मैसेज लिखते हैं कि हमें जो ये कार्ट्रेज दी गई है हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसकी वायोलेशन करते हैं आप हमें क्या ऑर्डर देते हैं आपका हमें क्या फरमान है ये सेवन तो आउद, एर रेगुलर रिगुल, लाइब्रेरी लिखते हैं किनको फोर्टी एट इन्फेंट्री इसके बाद दूसरा जो सोर्स है वो है 41 वन टू इन्फेंट्री जो है वो इनको लिखती है कि अवध मिलिट्री जो पुलिस है हमारा जो कैपिटन था अंग्रेज़ कैपिटन हेरसली है, उसको आप मार दीजिए हमारे जो यहाँ पर 41 वन नेटू इन्फेंट्री के हैं हमारे पास जो अंग्रेज़ फ़ौज थे अंग्रेजों का कंट्रोल था हमने वो ख़त्म किया आप ऐसा कर सकते हैं या उनको क़ैद कर सकते हैं लेकिन अवध मिलिट्री पुलिस जो है अवध की जो मिलिट्री है वो कहते हैं हम ऐसा नहीं करते तीसरा सोर्स चार्ल्स बेल एक स्टोरी है इसके बाद पंचायत आते हैं इन्हें पंचायत बुलाए जाते थे रात के अंधेरी में कि क्या फैसला लिया जाए कौन सा तदबीर अख्तियार की जाए कौन सा अमल किया जाए ताकि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकें चार्लस बेल लिखते हैं जो एक स्टोरियन है कि पंचायत है कानपुर की जो पंचायतें हैं वो रात को पंचायत करते थे इस पर बास मुबास करते थे उनके जो लाइव थे वो सेम थे उनके जो लाइफ स्टाइल थे वो सेम थे उनके जो कास्ट थे वो सैम थे वो इस पर गौर वफिक्र करते थे रात के अंधेरे में पंचायत बोलते अब अंग्रेजों के खिलाफ हमें क्या करना है इस तरीके से वो लाइन सब कम्युनिकेशन या प्लानिंग करते थे कि हमें कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है हमें कैसे मुतद होना है कैसे वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते थे कि हमें अब अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी तदबीरें अख्तियार करनी है आई थिंक टुडे इट इज़ इनफ In the next class, inshallah, we will continue this chapter and discuss the representation of eighteen hundred fifty-seven, and it is more sub -tacupus. Thank you. Goodbye. Have a nice day.